तहरीक इंसाफ के एस्टेब्लिशमेंट से मुजाकरात, रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान ने तस्दीक कर दी। एक निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान ने तहरीक इंसाफ के एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने की तस्दीक कर दी। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान का कहना था कि तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है और इमरान खान मुल्क का सबसे बड़ा सियासी लीडर है, तो जाहिर है कि इमरान खान पर बहुत संगीन केसेस बनाए गए हैं जिसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट से राबिता होगा। सीनियर रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान ने मजीद कहा कि मुख्तलिफ सियासी ताकतें हैं जिससे तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने मुलाकातें की हैं, जिसमें जमात इस्लामी JUI शेरानी ग्रुप है, उसके साथ साथ मोहम्मद अली दुरानी ने भी कोशिश की है। लिहाजा जो भी शख्स बीच के मामला ठीक करने की कोशिश करेगा तहरीक इंसाफ उसको सराहेगी, लेकिन फैसला कोर कमेटी की इजाजत और इमरान खान की तस्दीक के बाद ही होगा। सीनियर रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद ने मजीद कहा कि जिस तरह के मामलात का सामना इमरान खान को है उसकी वजह से पाकिस्तान में कोई एक भी शख्स इस बात को नहीं मानेगा कि कुछ गैर कानूनी वजूहात हैं जिसकी वजह से एक शख्स जो चंद महीने पहले पाकिस्तान का वजीर आजम था लेकिन कुर्सी से उतरते ही उस पर 200 केस बन गए, तो अचानक उस शख्स ने ऐसा क्या कर दिया। सीनियर रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद ने मजीद कहा कि अगर कोई 9 मई के वाकयात की बात करता है तो इमरान खान पर तो 9 मई से पहले ही बेशुमार केस बन चुके थे, लिहाजा ये सारे मुकदमे सियासी वजूहात की बिना पर हैं और सियासी लोग ही इसका हल तलाश कर रहे हैं।